ने दंदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी और फिर वहां से वो फरार हो गए। घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया जिसमें बाइक सवार कुछ बदमाश सड़क किनारे खड़े होकर किसी के साथ बहस करते नजर आए। थोड़ी देर बाद एक आदमी जमीन पर गिरता दिखाई दिया। देखने से ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गोली मार दी हो। इसके बाद सारे बदमाश बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो गए। बदमाशों के जाने के बाद जमीन पर गिरा आदमी उठा और एक हाथ से पैंट पकड़कर पीछे की तरफ भागने लगा, पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो एक बार फिर से गिर गया। इस दौरान सड़क से कई लोग गुजरते दिखे, लेकिन किसी ने भी रुककर उसकी मदद करने की जहमत नहीं उठाई। दिन दहाड़े एक डांस टीचर की हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना का पता चलते ही कई लोग थाने के बाहर जमा हो गए। वहीं पुलिस की एक टीम घटना वाली जगह पर पहुंचकर जांच में जुट गई। सूत्रों के मुताबिक इस साल शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा पर जैश हमला कर सकता है। पुलवामा हमले की तरह जैश के आतंकी इस हमले को अंजाम दे सकते हैं, जिसके लिए कार में आईईडी के जरिए आत्मघाती हमले की साजिश रची गई है। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए एक ही रूट खोला गया है और सूत्रों के मुताबिक बालटाल रूट पर जैश हमले की साजिश रच रहा है। रिफत हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिफत, क्या जानकारी मिल रही है? तो रिफत तक आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जैश दरअसल हमला कर सकता है अमर यात्रा पर। ये हमले की साजिश जैश की तरफ से रची जा रही है। आपको बता दें इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए एक ही रूट खोला गया है और यही जानकारी मिल रही है कि बालटाल रूट पर जैश हमले की साजिश रच सकता है और इसीलिए सारे अलर्ट कर दिए गए हैं, एहतियाती कदम उठाने के लिए कह दिया गया है। आपको बता दें सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि साल शुरू होने वाली इस साल अमरनाथ यात्रा पर जैश हमला कर सकता है। पुलवामा हमले की तरह जैश के आतंकी इस हमले को अंजाम देने के फिराक में हैं, जिसके लिए कार में आईईडी के जरिए आत्मघाती हमले की साजिश ये रची जा रही है। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए एक ही रूट खोला गया है और यही जानकारी कि बालटाल जो ये रूट खोला गया है यहीं पर जैश के आतंकी हमले की साजिश रच रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, अमरनाथ यात्राओं पर इस वक्त आतंकियों की नजर है। एक साजिश आतंकियों के द्वारा रची जा रही है। जो जानकारी मिल रही है वो ये कि इस साल शुरू होने वाली जो अमरनाथ यात्रा है उस पर जैश हमला कर सकता है। पूरा प्लान जैश की तरफ से रेडी किया जा रहा है। पुलवामा हमले की तरह से अंजाम देने की कोशिश में जैश के आतंकी हैं। इस हमले को वो दरअसल कार में आईईडी के जरिए करना चाह रहे हैं, आत्मघाती हमला, और ये साजिश जो है वो पर्दाफाश हुई है। इंग्लैंड में कोरोना वायरस की वजह से 3 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद रेस्टोरेंट, पब और सलोन खुले तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालात में सुधार होने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 4 जुलाई से लॉकडाउन में कुछ रियायतें देने का ऐलान किया था, लेकिन इसके साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की थी। मगर इसके बावजूद राजधानी लंदन में पहले ही दिन ज्यादातर रेस्टोरेंट और पबों का नजारा देखकर लगा नहीं कि लोगों पर प्रधानमंत्री की अपील का कोई असर हुआ। 3 महीने से घरों में कैद लोगों को आजादी मिली तो वो यही भूल गए कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। लोग सड़कों पर ही पार्टी करते नजर आए, न किसी के बीच 2 गज की दूरी दिखी और न किसी के चेहरे पर मास्क। लोगों का ऐसा जमावड़ा देखकर एक बार तो लगा कि मानो ये तस्वीर कोरोना वायरस के फैलने से पहले की हो। रेस्टोरेंट भी पूरी तरह भरे हुए नजर आए, हालांकि कुछ जगह लोग नियमों का पालन करते भी दिखे। एक तस्वीर में एक पब में पीपीई किट पहना एक कर्मचारी दवा का छिड़काव करता भी नजर आया। कई सलोन के बाहर भी लोगों की कतार दिखी, लेकिन हालत रेस्टोरेंट और पबों के बाहर लगे जमघट से बेहतर नजर आई। हालांकि वहां कई लोगों के चेहरे ढके नहीं दिखे, मगर सलोन के अंदर बाल काटने के लिए कर्मचारियों ने सावधानी जरूर बरती। पूरे यूरोप में कोरोना की सबसे बड़ी कीमत ब्रिटेन ने ही चुकाई है। वहां इस महामारी की वजह से 44,000 से ज्यादा लोगों की मौत